स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर वन कॉलम इन हाउस कंस्ट्रक्शन। एक घर बनाने में उसका एक जो कॉलम होता है, एक बीम होता है, वो बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना मटेरियल लगता है, उसके बारे में आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके की फुटिंग होती है, नीचे से जो शुरू होती है खुदाई करके, और ऐसे करके हम कॉलम लेकर जाते हैं किसी भी अपने घर का। तो ये कितने तरह की फुटिंग होती है, जैसे पैड फुटिंग होती है, स्टेप्ड फुटिंग होती है, स्लोप्ड फुटिंग होती है। स्लोप्ड को हम ट्रेपिजोइडल फुटिंग भी बोलते हैं। स्टेप्ड फुटिंग भी यूज होती है, लेकिन ब्रिक वर्क के केस में हम यूज करते हैं, आरसीसी में हम इस चीज को बनाते ही नहीं है, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। और पैड फुटिंग भी हम बनाते हैं, बेसिकली ये फ्लैट एक तरीके की होती है, तो बड़ी सिंपल होती है। तो आइए इसके बारे में शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक डिजाइन है जो हमने एक डिजाइन करा है एक फुटिंग को लेकर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में एक नॉलेज मिलती है हमें, एक एक कॉलम कितने रुपए में बनता है, नंबर ऑफ कॉलम हम काउंट करके इसका खर्चा भी बता सकते हैं, कितना सरिया डालना है, क्या करना है। आज हम बड़ा बेसिक बताएंगे, और जो ये डिजाइन है, जो हमने डिजाइन बनाया है, ये आराम से 2 मंजिल 3 मंजिल घर के लिए सफिशेंट रहता है, और नंबर ऑफ कॉलम भी हम बताएंगे कैसे करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आरसीसी स्लैब है, जैसे एक कॉलम है, हमने फुटिंग बनानी होती है। ये दोस्तों ये एनजीएल होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो इसमें हम कितने डेप्थ में हम खुदाई करेंगे, तो हम जैसे 5 फीट में खुदाई कर रहे हैं, 5 फीट में 1525 हमारा 1.525 हमारा मीटर होता है। तो हमने ये मतलब जो आजकल जो भाई लोग होते हैं हमारे, वो फुटों में भी करते हैं, लेकिन मीटर में हमें कैलकुलेशन इजी होती है, तो हम मीटर में इसको लेकर चलेंगे। तो जैसे कि अब ये देख सकते हैं, कॉलम के लिए हमने यहाँ पे 12 के 4 पीस डाले हैं। हमने एक अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको इस टाइप से, कि हमारा यहाँ पे 16 के 4 पीस और 12 के 4 पीस कैसे कैसे लगते हैं, कितने पे रिंग डालना है, क्या करना है, ऐसे करके। तो ऐसे ही आज हमारी वीडियो में हम इसके जाल के बारे में भी लेके आए हैं, फुटिंग में कौन सा जाल इस्तेमाल करना है। जैसे कि 10 का 150 सेंटर पे बोथ वेज में जाल बांधना है हमें। जो आपको ये वाला जाल दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये 10 के सरिये हैं दोस्तों, और ये क्रॉस और अपना मेन दोनों साइड इस्तेमाल होगा। 750 बाय 750 का मतलब हुआ 2.5 फुट बाय 2.5 फुट की हमारी ये फुटिंग है, और ये जाल 10 का 10 mm के सरिये का हम जाल बांधे हैं 6 6 इंच की स्पेसिंग पे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुदाई की। एक्सकवेशन हम कैसे करते हैं दोस्तों, जो हमारा ये पूरा पूरा एरिया है, ये 750 का एरिया है, जैसे 750 का, इसमें हम 6 6 इंच की कम से कम एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे वो, क्योंकि हमें वर्किंग स्पेस भी चाहिए होता है। तो हम इसकी वर्किंग स्पेस के लिए कम से कम 150 150, मतलब 6 6 इंच हम दोनों साइड एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब कि हम चारों साइड एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा एरिया टोटल बन जाएगा 1 मीटर 50 बाय 1 मीटर 50। और डेप्थ कितनी है दोस्तों इसकी, 1525 तो हमारी एनजीएल से फुटिंग का बॉटम है, और 75 की पीसीसी है, तो टोटल 1600 हमारी डेप्थ हो गई है। ये 75 की पीसीसी है दोस्तों, और ये 250 की हमारी राफ्ट है, जो जिसको हम फुटिंग भी बोल सकते हैं। और टोटल हमें जो खुदाई करनी है 1525 करनी है, और ये 75 हमारा पीसीसी है, तो ऐड हो गया, 1600 बन गया। 1600 बन के हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, तो हमारा आंसर आ गया 1.764। ये 500, 500 कैसे आया दोस्तों, ये हमारी कोई भी एक लेबर होती है ना, अगर तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये लेबर 8 घंटे में 1 क्यूबिक मीटर के आसपास ही खुदाई कर पाती है। ये हमारी एक एनालाइज है जो हमने साइट पे काम करवाते हैं। तो ये मोटा मोटा 500 रुपए की एक लेबर आती है हमारी, जो चौक से हम बाहर से लेकर आते हैं। तो ये 1.764 को 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर 500 रुपए में खोदती है। तो 882 हमारा, पहले तो हमारा खुदाई का खर्चा आएगा 882 रुपए। अब हम बात करेंगे पीसीसी की, जो हमने 75 की पीसीसी डालनी है, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो हमारी पीसीसी क्या है, 6 6 इंच था, तो हमने 3 3 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, 750 की थी तो 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, तो ये बन गया 900 बाय 900, 75, मतलब कि 75 को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 0.075 आ गया। तो ऐसे करके हमारी ये 0.061 क्यूबिक मीटर हमारी पीसीसी इस्तेमाल होगी, यूज आएगी।
तो हमने इसको मटेरियल इसका निकाला है, तो कंक्रीट के लिए आपको पता है कि 75% एक्स्ट्रा लगता है, डेंसिटी होती है वेट को ड्राई में चेंज करने के लिए, मतलब हमें सूखा माल 57% एक्स्ट्रा चाहिए, CPWD के हिसाब से होता है दोस्तों ये। तो इसमें हमने 75% ऐड कर दिया, 0.061 में हमने इसका 75% होता है 0.035, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 0.095 हमारे टोटल मटेरियल हमें चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, इसकी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालना है। दोस्तों PCC हम 1:4:8 की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1:4:8 को हमने सारी रेशो को प्लस कर लिया तो 13 बन गया। 13 के हिसाब से अब एक हमारा सीमेंट है, तो हमने हमारा वही वाला फॉर्मूला है जो हमने बाकी ब्रिक वर्क के केस में, मोर्टार के केस में निकाला था, प्लास्टर के केस में। तो ये 1:2 में पूरी की पूरी हमारी जो अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट है 0.095 डिवाइडेड बाय 13 कर लिया हमने टोटल रेशो, तो ये हमारी आ गई 0.007 क्यूबिक मीटर। ऐसे ही हम 1440 जो डेंसिटी होती है क्यूबिक मीटर में सीमेंट की, उससे 10.52 kg हमारा किलो में सीमेंट निकल गया। 50 किलो का एक बैग होता है, तो 10.52 को 50 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 0.21 बैग हमारा आ गया। 350 रुपए के आसपास का एक हमारा बैग आता है बाजार में आज की डेट में, तो 74 रुपए का हमारा सीमेंट लगता है इसमें। अब दोस्तों आगे चलते हैं, सैंड निकालते हैं। सैंड की जैसे 4 रेशो है, तो चार यही सेम आएगा, 1 की जगह 4 लग जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। यही कैलकुलेशन करके हमने क्यूबिक मीटर में 0.029 हमारा निकल गया, तो 35.31 CFT हमारा थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्यूबिक फीट में चेंज करेंगे क्योंकि मटेरियल जो है क्यूबिक फीट में हमारा मिलता है बाजार के अंदर। तो 1.032 हमारा क्यूबिक फीट हमारा सैंड रिक्वायर्ड होगा। 40 रुपए के आसपास हमारा सैंड आता है, तो 41 रुपए का हमारा सैंड लगता है। ऐसे दोस्तों आगे चलेंगे एग्रीगेट के, अपना एग्रीगेट के लिए हम 8 हमारी 1:4:8 के हिसाब से 8 रेशो हमारी एग्रीगेट के लिए, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। 0.058 हमारा क्यूबिक मीटर एग्रीगेट की क्वांटिटी आई है, और इसमें भी हम क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो 2.064 हमारा, ये लगभग डबल हो जाता है हमारा सैंड से एग्रीगेट, तो हम ये चलेंगे। तो 35 रुपए हमारा आता है एग्रीगेट बाजार में, तो आपके एरिया में जो भी आता होगा आप अपनी रेट डाल सकते हैं दोस्तों, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो 72 रुपए का एग्रीगेट हमारा इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही करके हम PCC जो होती है हमारी, जो लेबर हमारी बनाती है और डालती है उसमें जो यूज होती है ना, तो वो करीब करीब हमारा 800 रुपये क्यूबिक मीटर पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 800 रुपये के हिसाब से अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, मतलब इतनी हमें सॉरी हमें 0.061 हमें PCC डालनी है, तो करीब करीब 50 रुपये में हमारा काम हो जाएगा ये वाला बना के डालने वाला। तो दोस्तों 237 रुपये हमारा टोटल आया, इन चारों को हमने प्लस कर दिया, तो एक फुटिंग में PCC के, मतलब एक फुटिंग में जो PCC हमें डालनी है, तो 237 रुपये में वो डलेगी। ऐसे ही हम शटरिंग पे चलते हैं दोस्तों। शटरिंग का भी सिंपल सिंपल सा फंडा होता है, जैसे फुटिंग का केस है तो हम फुटिंग पे चलते हैं। तो फुटिंग हमारी जैसे 250 की हाइट है, 250 की हाइट है, तो ये 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम सबसे पहले फुटिंग निकालेंगे, शटरिंग निकालेंगे फुटिंग की, तो 750 इंटू में 250 कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया चारों साइडों का, तो ये निकल गया 0.75 kg, सॉरी 0.75 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारी अपना फुटिंग की शटरिंग आ गई। अब आ गई कॉलम की बारी, तो कॉलम हमने कैसे करना है दोस्तों, ये भी सिंपल सा होता है कॉलम। तो ये कॉलम का हमारा साइज हुआ क्या, हमारा कॉलम का साइज है 230 बाय 300 का, तो मतलब 230 की दो साइडें हैं और 300 की दो साइडें हैं। तो इसकी लेंथ हुई हमारी जो छत तक की लंबाई हुई 3350 की हुई, तो हमारी जो डेप्थ है 1525 हुई ऐसे करके, और उसमें से 250 हमारा कम हो गया। तो हमने सारी कैलकुलेशन करी है, मतलब कि 3350 प्लस में 1525 माइनस में 250, और ये छत की मोटाई है मान लो 125 की, 125 की छत है, तो हमने हमने कॉलम यहां तक डालना है, तो ये शटरिंग यहां तक करेंगे। तो हम वो कैसे लेंगे दोस्तों, तो 4625 हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, 230 इंटू में 2, 230 की दो साइडें हैं, 300 की दो साइडें हैं, 4625 हमारी शटरिंग का हमारी लेंथ हुई, हमारी लंबाई हुई, तो ये कैलकुलेशन में आया 2.13 और ये आया 2.78, इन सब तीनों को प्लस कर देंगे तो 5.65 स्क्वायर मीटर हमारा जो हमारी शटरिंग है एक कॉलम में इस्तेमाल होगी। फुटिंग और कॉलम की बात करते हैं, इसको हम स्क्वायर फीट में बदल देंगे दोस्तों, तो 60.82 आ गया। तो ये कैसे आया दोस्तों, ये हमारा इसको हमने 10.76 से मल्टीप्लाई कर लिया,
उसको स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए। दोस्तों हमारा जो रेट होता है ये 25 से 30 रुपये होता है, मार्केट रेट है हमारा। विद मटेरियल बंदा आता है, करता है, ले जाता है, उसका ही सामान रहता है, तो ये हमारा लगभग लेबर रेट चलता है। तो 27 रुपये के हिसाब से 1672 रुपये, 42 रुपये का हमारा शटरिंग का काम होता है एक कॉलम के अंदर। ऐसे दोस्तों हम आगे चलेंगे स्टील के केस में। तो स्टील कैसे निकालना है दोस्तों, फुटिंग के केस में अगर हम बात करें स्टील की, तो हम पहले ड्राइंग देख लेते हैं। फुटिंग के केस में 10 का सरिया लग रहा है 150 पे, मतलब 1 2 3, ये हर 150 की स्पेसिंग है, और ऐसे इसके ऊपर भी बिछेगा ये भी सब 150 पे ही जाएगा, मतलब कि 6 6 इंच पे 10 का सरिया इस्तेमाल होगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमने कटिंग लेंथ निकाल ली, 750 की थी तो 25 25 का कवर छोड़ दिया, तो 700 बचा, और 250 की जो हमारी होती है उसमें 150 का एल हमें देना होता है, तो हमने एल दिया जो हमारी डेप्थ है 250 की, उसके हिसाब से कटिंग लेंथ निकल गई है 0.15, ये हमने मीटर में निकाल लिया 0.7, 0.15, ये सारी एक क्यूबिक अपना एक रनिंग मीटर के, मतलब 1 मीटर की हमें सरिया चाहिए एक पीस के लिए। अब नंबर ऑफ पीस निकालने हैं तो 750 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हमने 6 नंबर हमारे निकल गए, प्लस 1 जरूर करना होता है दोस्तों, ये 5 बनता है इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन इसमें प्लस 1 करना होता है क्योंकि एक ये हमारा थंब रूल होता है इसको निकालने का, और शुरू में और आखिरी का प्लस 1 एक करना जरूरी होता है। 1 मीटर था हमारा, यहाँ पे हमने 1 मीटर कर दिया, और बोथ वेज है तो लंबाई में, मतलब बोथ वेज का मतलब हुआ ऐसे भी हमारा, ऐसे भी 6 बार यूज हो रहे हैं और ऐसे भी हमारे 6 बार यूज हो रहे हैं, तो 6 दूनी 12 बन गए। तो हमने सीधा सीधा करा, 6 दूनी 12, और 1 मीटर की लेंथ थी तो 12 मीटर हमें 10 का सरिया चाहिए। तो इसका एक थंब रूल होता है दोस्तों, डाया इंटू डाया अपॉन 162, डाया मतलब 10, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 162 करेंगे तो हमारा 1 मीटर की लेंथ में कितना वेट होता है वो आ गया। तो 1 मीटर की लेंथ में 0.617 हमारा वेट होता है स्टील का, तो 7.41 kg हमारा आया सरिये का वेट। अब हम आगे बात करेंगे कॉलम के केस में, कॉलम के वर्टिकल को हमने कैसे निकालना है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अब कॉलम के वर्टिकल के लिए हमें 12 के 4 पीस डालने हैं और 8 का रिंग डालना है 150 पे, तो हम इसको देखेंगे कैसे करना है। तो जैसे कि इसकी कटिंग लेंथ हमने निकालनी है कैसे, 3350 हमने यहाँ तक हमने सरिया हमें लेके जाना पड़ेगा एक मंजिल की बिल्डिंग बनाने के लिए, 3350 और 1525 नीचे तक हम गए, और भी नीचे से हमने एक कवर ले लिया, और 300 का एल मोड़ना है। तो हम ये जो सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 3350 जमा 1525 करेंगे तो 4825 आएगा दोस्तों, एक कवर निकाल के उसमें से, और 300 का हमने एल मोड़ दिया, तो इन दोनों को प्लस करा तो ये हमारी कट लेंथ बन गई है 5 मीटर 125, 5.125 रनिंग मीटर हमारी कटिंग लेंथ आ गई है स्टील के वर्टिकल के केस में। ऐसे ही हमें 4 सरिये चाहिए, तो टोटल हमारा इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20.50 रनिंग मीटर बन जाएगा। 12 का सरिया इस्तेमाल हो रहा है तो सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे इसमें डाया इंटू डाया अपॉन 162 था, तो ये आया मतलब 10 × 10 किया था, ऐसे हम इसमें 12 × 12 करेंगे तो 12 × 12 अपॉन 162 बनता है 0.889। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20.50 × में 0.889 को, तो 18.22 kg हमारा सरिया निकलेगा अपना वर्टिकल जो हमने हमने स्टील 12 का इस्तेमाल करना है। अब इसमें रिंग की बारी है दोस्तों, तो रिंग कैसे निकालेंगे, इसमें से हम अपना हमें पता है कि 40 40 का कवर होता है, तो 300 वाले हिस्से में 40 इधर का कवर 40 इधर का कवर छोड़ा तो 220 बना, 230 के हिस्से में 40 इधर का कवर 40 इधर का कवर 80 घटा दिया 230 में से तो 150 बचा। 8 8 डाया का 150 की स्पेसिंग पे हमारा रिंग यूज हो रहा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो 220.15, 0.22, 0.15 और 0.08, 0.08 क्या है दोस्तों, तो ये 10D होता है, जो हमारी कुंडियां मुड़ रही है ना दोस्तों, ये वाली कुंडिया 10D के बराबर होती हैं, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, तो ये सारा कुछ बन गया, ये सारी की प्लस कैलकुलेशन आई 0.9 रनिंग मीटर, मतलब हमें 0.9 रनिंग मीटर का सरिया चाहिए लंबा एक रिंग को बनाने में। तो हम देखेंगे इसमें रनिंग टोटल कितना इस्तेमाल होता है, मतलब कि टोटल रिंग कितने चाहिए, तो 1525 प्लस 3350, 1525 ये वाला है दोस्तों और 3350 ये वाला है, इसमें से छत घट जाएगी और 250 हमारा फुटिंग का घट जाएगा।
तो ऐसे ही 1525 3350 प्लस कर लिया, माइनस कर दिया 250 फुटिंग का, और फिर ये छत का माइनस कर दिया, 4.5 मीटर आता है, डिवाइडेड बाय 1.15 कर लिया मीटर में, 150 को मीटर में चेंज करके इसको डिवाइड कर दिया, तो 31 नंबर हमें चाहिए, प्लस 1 कर दिया हमने इस पर, तो 31 नंबर हमें इसके स्टीरअप्स के चाहिए, जो रिंग होते हैं उसके चाहिए। तो इसमें को 0.9 को 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27.9 रनिंग मीटर हमारा आता है। तो 8 का सरिया है, तो ऐसे ही डायन टू डाय अपॉन 162.395 हमारा 8 के सरिये में 1 मीटर की लेंथ में वेट होता है। तो 4.74 kg हमें वेट का रिंग लगेंगे। अब इन सबको हमने प्लस कर दिया दोस्तों, 7.41, 18.22 और 4.74 को हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमारा है 30.37 kg हमें चाहिए। 60 रुपये, 245 रुपये के आसपास तो हमें सरिया मिलता ही है। फिर हमारा थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, उसमें लेबर इस्तेमाल होती है, एक्सपर्टीज भी इस्तेमाल होती है, तो करीब करीब आपको जो लोकल आप काम कराओगे घर पे, वो 60 रुपये के आसपास का स्टील का कॉस्ट पड़ेगा। तो हमने एक एक किलो पे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो 1822 रुपये का आपका स्टील की कॉस्ट आएगी। उसके बाद बाइंडिंग वायर इस्तेमाल होती है दोस्तों, तो बाइंडिंग वायर 1 टन में 10 kg लगती है, तो 1 किलो में हम सीधा सीधा निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 0.01 kg हमारा इस्तेमाल होएगी बाइंडिंग वायर 1 किलो सरिये के अंदर। तो हम ऐसे ही बात करते हैं, तो टोटल बाइंडिंग वायर हमारी इस्तेमाल होगी 30.37 किलो में चाहिए, तो इतने किलो 0.01 kg हमारी बाइंडिंग वायर इस्तेमाल होगी, तो 0.304 किलो हमें बाइंडिंग वायर चाहिए 30 किलो, 30.37 किलो सरिये का काम करने में। तो 70 रुपये के आसपास की बाइंडिंग वायर आती है दोस्तों, आपके एरिया में जो भी आती है आप वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 21 रुपये की हमें बाइंडिंग वायर चाहिए। ऐसे ही दोस्तों हम आगे चलते हैं आरसीसी में। आरसीसी में भी दोस्तों क्या करना है, हम आरसीसी वर्क यूज कर रहे हैं 1.5-3 का, जो इसमें हम आरसीसी डाल रहे हैं और इसमें हम आरसी डाल रहे हैं, 1.5-3 की डाल रहे हैं, यहाँ तक की हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, ये पूरी की और इसकी छत तक का, मतलब एक छत को बनाने में, तो हम एक छत एक एक स्टोरी तक की बिल्डिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों ये 750 बाय 750.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.141 हमारा क्यूबिक मीटर हमारा फुटिंग में कंक्रीट लगेगा। 750 हमारा यहाँ से आया है, 750 बाय 750 की फुटिंग है, 250 हमारी ऊंचाई है इसकी। ऐसे ही कॉलम के केस में हम 230 बाय 300 का कॉलम है, 4.5 हमारा मीटर, रनिंग मीटर हमारा हाइट में कॉलम था जो हमने यहाँ पे निकाला ही था, तो 4.5 हो गया। तो इसको हमने तीनों को मल्टीप्लाई करा, तो 0.311 क्यूबिक मीटर हमारा कॉलम का कंक्रीट आया। तो हम टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड हमें कितना है, 0.451 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट चाहिए, कौन सी रेशो का, 1.5-3 का। तो सेम हम इसमें भी ऐसे करेंगे, सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से ड्राई वेट डेंसिटी टू ड्राई डेंसिटी में 75% हमने ऐड करना है, तो हमने ये किया, तो 0.257 क्यूबिक मीटर आया। तो एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड हमें चाहिए, जो ड्राई मटेरियल चाहिए, तो 0.708 क्यूबिक मीटर के बराबर चाहिए। तो ऐसे ही हमने सेम वही फॉर्मूला डाला है, इसको रेशो को प्लस करके 1.5-3 को प्लस किया, तो 5.5 बना, तो 1 सीमेंट की क्वांटिटी थी हमने यहाँ पे सीधा सीधा ये अप्लाई कर दिया, और सेम करके हमारा जो सीमेंट के बैग हमें इसमें चाहिए, तो 371 बैग हमें चाहिए। ये इसकी अगर कैलकुलेशन में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो हमारी लास्ट की वीडियो देखेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको टैग कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमने 371 बैग हमें चाहिए, 350 रुपये के हिसाब से बैग चाहिए, तो सीमेंट की कॉस्टिंग आ गई 1298 रुपये। ऐसे हमें सैंड निकालना है दोस्तों, तो सैंड की वही डेड सैंड हमारा इस्तेमाल हो, तो डेड सैंड इस्तेमाल कर दिया, 5.5 के बराबर के हमारी टोटल हमारी रेशो है। तो ये सारी कैलकुलेशन होके हमारा इसको क्यूबिक मीटर में आया, तो क्यूबिक फीट में चेंज करके 6.818 हमारा क्यूबिक फीट सैंड लगेगा। 40 रुपये के आसपास का सैंड मिलता है हमें बाजार में, तो 273 रुपीज का हमें सैंड इस्तेमाल होगा आरसीसी के केस में। ऐसी एग्रीगेट के केस में, मतलब आरसीसी में जो एग्रीगेट बजरी की मात्रा यूज होगी, तो 3% होती है, मतलब कि 1.5-3 की रेशो में 3 की रेशो है। तो ऐसी वही सेम कैलकुलेशन करके 13.64 क्यूबिक फीट आएगी, तो 35 रुपये के आसपास की हमें बजरी मिलती है, तो 477 रुपये हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है। और उसके बाद हमारी लेबर कॉस्ट 1 क्यूबिक मीटर में करीब करीब 1000 रुपये हमारे लगते हैं, ये हमारी एनालिसिस है जो हम साइटों पे काम कराते हैं।
तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट इन तीनों का जो कॉस्ट आई है 2048 रुपये आई है, 700 रुपये हमारी आई है, 0.70 हमारे क्यूबिक मीटर थी, तो 700 रुपये के आसपास हमारे लेबर कॉस्ट लगेगी बना के डालने में, तो 2748 रुपये के आरसीसी का काम हमारा इस्तेमाल होगा। ऐसे ही हमने सब काम कर दिया दोस्तों। मान लो हमने खुदाई करी सबसे पहले, फिर पीसीसी डाली, फिर सरिया डाल के हमने इसकी आरसीसी डाली, फिर इसकी आरसीसी डाली। लेकिन अब जैसे यहां से लेकर हमने ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है गड्ढा हमने बनाया था, तो इसकी खुदाई के बाद हमने जब ये सब कुछ बना लिया, अब इसमें बैकफिलिंग भी करनी है वापस से इस चीज को भरना भी है, तो हम देखेंगे वो कितना आता है। तो एक्सकेवेशन हमारी थी 1050 बाय 1050 बाय 1600, हमने पूरी पूरी खुदाई करी थी। इसमें डिडक्ट कर दी हमने पीसीसी की, जो हमारी पीसीसी आई थी 0.06 क्यूबिक मीटर, हमने इसको माइनस कर दिया। आरसीसी फुटिंग हमने माइनस कर दी 750 750.2 की जो हमारी आती है, तो 0.14 क्यूबिक मीटर वो माइनस होगी। उसके बाद डिडक्शन होगी आरसीसी फुटिंग, अपना आरसीसी फुटिंग नहीं सॉरी, ये हमारा आरसीसी का कॉलम हुआ दोस्तों, तो कॉलम हमने इसमें डिडक्ट कर दिया है दोस्तों, कॉलम ठीक है दोस्तों। तो 230 बाय 1275 हमारा नीचे नीचे का कॉलम, इतने हिस्से का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये 1275 है, तो ये हमने माइनस कर दिया है इसमें से, तो टोटल हमारी क्वांटिटी आ गई 1475। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एक थंब रूल है, या हमने जैसे साइटों पे काम किया है तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 250 रुपये का बंदा लगता है, मतलब कि एक लेबर 2 क्यूबिक मीटर के आसपास बैक फिलिंग कर देती है, जैसे खुदाई करती थी 1 क्यूबिक मीटर, ऐसे ही 2 क्यूबिक मीटर के आसपास वापस भराई कर देती है। वो थोड़ी आसान होती है क्यों, कॉम्पैक्शन करती है, पानी वानी से सब काम करती है। तो 250 रुपये से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 369 रुपीज का हमारा आया जो इसकी बैक फिलिंग आई। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसको अब ये फाइनल हमने एक शीट बनाई है आपके लिए, इसमें हमने सारी कैलकुलेशंस दी हैं, मतलब एक्सकेवेशन हमारी इतनी क्वांटिटी लगेगी, 500 रुपए के हिसाब से इतना हमें खर्चा आया, ये सब हमने एक क्यूमुलेटिव कर दिया। ये बहुत जरूरी एक उसकी है, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ये हमारी कैलकुलेशन की शीट है बनी हुई। ऐसे पीसीसी में भी हमने करा, ऐसे शटरिंग में, ऐसे स्टील में, जो भी हमने ऊपर बताया वो सब लिंक करके हम यहाँ पे ले आए हैं। ये हमने 1 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट निकाल दिया, 3901 रुपया, 6091 रुपये, तो ये हमने 1 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट निकाल दी है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ये सब एड ऑन होके जो ऊपर वाली चीजें थी 2721 आया। सेंट्रीज दोस्तों हमने इसलिए लेते हैं, ये जैसे हम कोई भी जैसे आप ही खड़े होके करवा रहे हो, या आपने कोई इंजीनियर रखा है इस चीज के लिए, लेआउट करने के लिए, इसमें अच्छी क्वालिटी के लिए, तो मतलब ये सारे बिजली का काम हो गया, पानी का खर्चा हो गया, बिजली लगती है आपकी, कोई भी और छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है चाय पानी के वो लगते हैं, तो 10% हमें लेना होता है। तो एक कॉलम में हमने 8493 रुपए का हमें एक कॉलम पड़ता है। मान लो यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग हमने बना के उस दिन दिखाई थी, जैसे 9 कॉलम हो रहे हैं, तो 9 कॉलम का जो हमें अगर खर्चा दिखाना है तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हो जाएगा, और जितने भी बिल्डिंग में आपके कॉलम है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रेट्स ये हमारे एरिया के रेट्स हैं, हो सकता है आपके एरिया में थोड़े बहुत अलग हो, कैलकुलेशन हमने सारी दिखा दी है, तो आप रेट्स चेंज करके ये वाला काम, ये चीज आराम से निकाल सकते हो। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, तो ऐसे ही दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।